अब देख स्कोच के नीचे माथ घुमा दो, कहते भाई भाई अगर न्यू हो जाक भाई ये तो बांध रहा क्या होगा रे उसके सारा अलग रहा। नहीं भाई वो अलग है, वो पेड़ कती अलग है होती है उनके होते। अच्छा आज तक आपने सुनी हो कोई भगत आया हो उसकी मनोकामना की महाराज मृत्यु या मनोकामना ही आपने जी पुत्र वालों के पुत्र रोग मिटने वालों के रोग नौकरी वालों की नौकरी सब कुछ हुआ है। अच्छा, जैसी जिसकी भावना है वैसी होता है। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू घुबाने की राम राम भाई। भाई हाल फिलहाल मौजूद हैं हिसार की तहसील है आसी उसमें और इसमें भाई एक मंदिर है तहसील में जिसका नाम है समाधा मंदिर में भाई एक पेड़ है जो कि हवा में झूल रहा है। कै साल हो गए भाई साहब इसने अंदाजा हो आपने? 7-8 साल बताओ हैं तो भाई दिखाओ यहाँ आपने वो पेड़। मारा विश्वास नहीं होता जब आपने पहली बार वह वीडियो देखी आगे एक पेड़ जो कि हवा में झूल रहा है बिना जड़ के होने के कारण भी जड़ मत कट के अलग होकर फिर पेड़ हवा में झूल रहा है तो आपने वो दिखावांगे। सबसे पहला आ गए समाधा मंदिर है भाई देख लो भाई मंदिर घना बड़ा मंदिर है। मैं भी इसके भीतर घूम लिया हर प्रकार की मूर्ति धरी है। एक वो दिखा दे बजरंगबली महाराज की मूर्ति दिखा दे। ये अपने बजरंगबली महाराज बैठे और आपने दिखाओगे वो पेड़। समाधा मंदिर की द्वार के विकास में ये देख लो भाई ये समाधा मंदिर नीचे रास्ता है यो देख लो नीचे रास्ता है। आपने एक एक चीज दिखाता चलूंगा और देख सको भाई आप यो पेड़ है वो और एक बार दिखा दे भाई एक बार आगे करके देख इसमें अलग हो रही जड़ अलग हो रही है भाई देख लो भाई इसमें जड़ अलग है पेड़ अलग है और यो जो सिस्टम है यो या जो जड़ है वह अलग है। इब आपने ऊपर तोड़ दिखाऊंगा यो मंदिर मैं गल गला जा भाई इब दिखाऊंगा आपने वो पेड़ जो कि हवा में लहरा है और इसकी एक खासियत और देखो कि पेड़ सूखा नहीं हिबती कड़े रास्ता भाई इसका इसका रास्ता नहीं पा रहा हमने तो हाँ यो रहा यो इसका रास्ता भाई और देख लो पेड़ हवा में है वो पेड़ भाई इसकी जड़ अलग है या जड़ है और यो हवा में लटका है ये कही भाई अगर न्यू हो जाएगा भाई वो बांध रखा कहता है ऊपर दिखा दे भाई हरा भरा पेड़ हरकते हरा भरा पेड़ हरे बजरंगबली महाराज बैठे कहते पाड़ लिया मैंने भी ये दिखा दे भाई देख लो जी इसके नीचे के देखो आप कती और कई वीडियो आ ली भाई इसकी और दे माला दिखाओ आपने देखो हल है बिल्कुल हल है पेड़ कती और ऊपर दिखा दे कती हरा भरा पेड़ है और शायद मंत्र इतिहास में पहली बार देखा है कि आवा मनु पेड़ हल है और उसकी जड़ नीचे है भाई जो आप तो दिखाई थी वीडियो में ये वागा दिखा दे दोस्त ये देखो जड़ नीचे इसकी अयोज ताला गए बजरंगबली महाराज आ गए उतरे नरे बंदर हटते खा लेंगे भाई साहब इसका कुछ इतिहास भी रहा हो कुछ भाई ने यहाँ पे मेरे बड़े भाई देखो जो बड़े बुजुर्ग ने बैठा माना उस बात का बेरा को नहीं देखो ये मान रहे बहुत बुजुर्ग टाइम का था जो मैंने इस बात का बेरा है मतलब घने सालों बहुत साल हो गए इस पेड़ ने अड़े है किस चीज़ की मानता इसकी ये अपने बजरंगबली महाराज की और जगन्नाथपुरी महाराज की इसलता जी। अच्छा कितने मतलब पूरे भारत में पूजन आते हैं इस मंदिर में? हाँ जी हाँ जी जिससे जो मनोकामना मांगनी हो जिसके जो अपने कोई मांग के जाकर जिसका धागा बांध के जाकर है उसकी मनोकामना पूरी हो कर इसलिए ये पेड़ इस तरह ही है जी। अच्छा देख सको भाई आप पेड़ इस पर देख लो कितने धागे बन रहे हैं ये धागे भाई जब बांधे जा रहे जो कि कोई मनोकामना मांगे या किसी काम ना बनता हो जब ये धागे बांधे जा रहे हैं महाराज जी एक थोड़ा समय दोगे ये महाराज आ गए ये बता सके इसके बारे में कि ये पेड़ कितने साल हो गए तो महाराज जय शंकर के महाराज कितने साल हो गए इस पेड़ ने यहाँ पे कम से कम 500 वर्ष तो हो गए 500 वर्ष हो गए लगातार इस जड़ में बीच में टूट गए और ये ऊपर अल है जगन्नाथपुर जी महाराज के समय की बात है। अच्छा जी इसने कितने जो यहाँ पे क्षेत्र लगे हैं या भारत के कितने एक राज्य यहाँ पे राज्य के आदमी पूजना ली इसने कम से कम 20-25 राज्यों के आते आते। अच्छा मतलब जो टीवी वगैरह वाले हैं उनने मेरा पट्टे पे भाजका हाँ हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं और इसकी एक बात और देख सको भाई अगर यो आवाम होने के कारण बिल्कुल हरा भरा है जी हरा भरा है संतों का दरबार है पुराने महात्माओं की महिमा है उनका चमत्कार है इसमें कोई दूसरा ये तो नया पेड़ है ये थोड़ी उसका वजन झेल सकता है देख लो आप तो ये तो ये इसी से तना चल करके नीचे लटक के पेड़ बना ये जो देख रहा है जो अच्छा। ये तो उनकी कृपा से जो ये पेड़ नहीं है भाई वो
ये बताया जा रहा है कि जो इस पेड़ का जो लटका इसका तना मन का यो नीचे जड़ इसकी जड़ मन गई है। कदे कई भाई अगर न्यू होगा भाई यो पेड़ है इसके इस तय अलग होकर मन रहे हो नहीं भाई। महाराज जी का कहना कि इस पेड़ के कारण यो पेड़ होया है, इसकी जो जड़ है नीचे ती आई है फिर नीचे समाई है फिर अपने आप प्रकट हुई है महाराज जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और धागे महाराज एक बात और देखी मैंने धागे इसी का बंध रहे कुछ। हाँ इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। हाँ भाई किसी का काम जो है कोई संकल्प करके अपना बांध जाते हैं भगवान की कृपा से शुद्ध भाव से करते हैं पूर्ति होती है उनकी होती है। अच्छा आज तक आपने सुनी हो कोई भगत आया हो उसकी मनोकामना की महाराज मेरी तो यह मनोकामना है आपने जी पुत्र वालों के पुत्र रोग मिटने वालों के रोग नौकरी वालों की नौकरी सब कुछ हुआ है जैसी जिसकी भावना है वैसी होता है काम। मतलब जिसके जो भी मनोकामना मांगी वह पूर्ण हुई शुद्ध भाव से। हाँ बिल्कुल 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 इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी हाँ जी। और ये तागे देख लो भाई कितने हैं और आप देख सको इसके नीचे माथ घुमा दो कहते कई भाई अगर न्यू हो जाग भाई ये तो बांध रहा है क्या होगा रहे उसके सारा अलग रहा नहीं भाई वो अलग है वो पेड़ कति अलग है देख सको भाई। शायद महाराज इसके सिवा तो और कोई पेड़ नहीं पाओगे। नहीं 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 किसी भी जंगल में कहीं भी दूसरे वृक्ष के ऊपर डाल के देख लो सूखता है कि नहीं सूखता है तो यही कैसे रह जाए कैसे कहीं भी काट के डाल लो ना आप इसी उसी से आ रहा है तो रख चाहे उसमें अंदर से चिपका दो बांध दो जेवड़ों से खड्डा खोल के दाब दो फिर भी दे रहा रह जाए तो मान लेंगे। अच्छा जी तो ये यही क्यों है ये देख लो आपके सामने जो स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा महात्मा को प्रभाव है मतलब मालिक की परमात्मा की शक्ति है सारी। तो देख सको भाई हो आप पेड़ जो भाई भी यहाँ पर आना चाहे इशार के 80 तहसील में है यो समाधा मंदिर और जिसकी मनोकामना भाई जो भी हो अपनी पूर्ण करने खातर भाई इसका अपने धागा बांस का है प्रसाद भी चढ़ रहा है भाई जोत बत्ती कर सके है। तो भाई आप ने वो पेड़ देख लिया और मन ने भी जब पहली बार ये पेड़ देखा था मेरा यकीन नहीं हुआ था कि भाई ऐसा भी हो सके है। जब आप मैंने खुद नहीं सोची थी भाई खुद अपनी वीडियो चाक बना के लियावेंगे जब हमारा विश्वास होगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सके है पर भाई इब कति पक्का विश्वास होगा कि हाँ यो पेड़ अलग है इस तो बीच में बिल्कुल जगह है यो अलग है इस तरह बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सको आप भाई और आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो और आगे की अपडेट आपने मिल लेगी वो देते रहेंगे। इसी के साथ जय हरियाणा जय हरियाणा जय गौ माता।